असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल होप यू ऑल आर गुड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशपाश फिटफाट और शादा हो अच्छा जनाब वीडियो की थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किसके बारे, बारे में बात करेंगे नो no कैप्शन मैंने उसमें जान का डिक्का है इसका भी क्या मोटिव है वो मैं आगे चल बताती हूँ अच्छा जनाब सबसे पहले तो हम ये बात अच्छी तरह समझ लें कि सलमा और सलमान जो हैं वो इस वक्त चाचू को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं और इनका कहा जाता है ना कि उल्टी गंगा बहती है तो इनका यही वाला मामला है सलमा जब आई थी अपना मुद्दा लेकर तो उनके बकौल के सबसे ज्यादा धचका उनको अपने शोहर की तरफ से ही लगा था और फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा वो उन्हीं को ही गले का हार बनाए फिरती हैं इसी तरह सलमान साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि मुझे जो है वो अपनी स्टेप सिस्टर या मदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने अबू और भाई से है लेकिन अब हम ये देखते हैं कि वही भाई साहब जो है वो सलमान की कम्यूनिटीज़ लगा रहे होते हैं और अबू अबू पर तो सलमान को फिर प्यार आया है और बेहतर हद और बेहिसाब आ रहा है और सलमा और सलमान का को धचका किसी की भी जात से लगा उनके लेकिन नफरत उन्होंने निकाली सिर्फ और सिर्फ सितारा पर या अपनी माँ पर अच्छा जनाब चाचू की कुछ चीज़ें हैं उससे हमारा भी दिल थोड़ा सा उदास है लेकिन अगर हम सिर्फ दो तीन पॉइंट्स हैं उसको अगर हम अपनी नज़र में कर लें तो फिर हमें चाचू के एक्ट्स बहुत हद तक समझ आ जाएंगे सबसे पहला तो ये कि उनको ये बात हम मान लें कि ना ही उनको एडिटिंग आती है ना ही वो थमनल्स बना सकते हैं और ना ही उनको छोटी छोटी इच्ची पिच्ची समझ आती है आपको ये कहेगा कि जी इतने बुजुर्ग आदमी हैं इतने जहाँ दीदा हैं तो ऐसा कैसे लेकिन फिर भी जो ये वाली पॉलिटिक्स होती हैं और इस एज में आ कर नहीं समझ आती भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये बात भी एक फैक्ट है कि वो इस वक्त वहाँ अकेले हैं जो उनकी वाइफ हैं जो उनकी शरीक हयात हैं जिनसे उनका बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग हमें नज़र आता है वो यहाँ हैं और बहुत टाइम बाद वो इस तरीके से उनसे अलग हुए हैं तो ये बात हम सारी अपनी नज़र में रखें अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है जो भी अंदाज से चाचू के व्लाग्स सिखाए जा रहे हैं उनके पेरेंट्स सिखाई जा रही है चाहे जिस भी ब्लॉग में हो ये बात सब समझ लें कि उसके बैक ऑफ दी प्लान जो है वो कौन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मिसेस थर्टी परसेंट हैं क्योंकि जब वहाँ पर जाकर मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में ये बात बोली कि ऐसा क्या होता है कि उनके घर में जाके हर कोई सरप्राइज हो जाता है हर किसी का एक अजीब सा ही बिहेवियर होता है चाहे वो रूबीना बाजी थी चाहे वो नैना थी नैना की एनर्जी भी हमने देखी कि वो जो भी कर रही हैं लेकिन एक अलग सा उनका एक सप्रेस वाली चीज़ नज़र आती है और मिसेस थर्टी परसेंट के पास आखिर ऐसा कौन सा गोर है कि उन्होंने जब अपने हस्बैंड को काबू करा है जो किसी लाइफ में बेनथे बैल की तरह फिर रहे होते हैं वो मिसिज़ थर्टी के इतने काबू में होते हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ वो एक बचपन में एक ऐड आता था जादू है बहू के हाथ में तो हमारे यहाँ सब बोलते थे झाड़ू है बहू के हाथ में तो अब पता नहीं नहीं इन वाली बहू के हाथ में क्या है कि ये हर किसी को काबू कर लेती है अच्छा यहाँ पर मैं अब दो तीन पॉइंट्स रखूंगी कि चाचू जो है उन्होंने जब ब्लॉग्स बनाने शुरू करे थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि प्लीज़ मुझे ट्रॉल ना करना क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा ट्रॉल हो रहे थे कि उनको पता था कि अगर मेरी कोई आगे पीछे बात होगी तो मुझे भी कोई बुरा भला ना बोले अब यहाँ पर जो मैं कहती हूँ ना कि एक फ़र्क था सितारा सपोर्टर्स में कि ये लोग कभी भी पेरेंट्स पर बात नहीं करते थे वो हमेशा यही कहते थे कि यार बुज़ुर्ग हैं इनको बीच में मत लाओ इनको इस तरीके से गंदा मत करो तो अब अगर वो वहाँ चले गए ना तो अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ये बात बोलने शुरू हो गए मैं जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनके ऊपर एक्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ बहुत सारी दफ़ा कमेंट्स में लोग जज्बाती हो जाते हैं कहते हैं देखा है तो ना उसी असगर का बाप उसगर असगर का बाप तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें थोड़ा सा जजबातीत से हटें डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से अटैक नहीं करें आपके अगर कुछ गम गुस्सा है भी उसका फ़िलहाल इजहार इस तरीके से ना करें क्योंकि यही था ना हम भी यही कहते थे कि अगर जो सलमा सपोर्टर्स हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि वो सिर्फ ये क्यों देखते हैं कि जी सितारा की माँ हैं या सितारा के चाचू हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि सलमा की भी वो माँ है ये हम कहते थे ना तो यही चीज़ अब हम अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको पता ही है कि सलमा को या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको अपनी कोई गंदगी नज़र नहीं आती लेकिन वो यहाँ की एक एक बात को उठाकर पॉइंट बनाते हैं और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि चाचू को भी अगर कभी कभार जो है वो यहाँ के लोगों से ख़िलाफ़ किया गया तो उनको लाइव्स के या उन सब चीज़ों के वही क्लिप्स सुनाए जाते थे जो कि उनको यहाँ से अगेंस्ट करें तो अभी भी हमें नहीं पता कि उनको किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो आकर अगर उन्होंने सपोर्टर के लिए ये बात बोली मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि चाचू ने कभी जो है वो सलमा के सपोर्टर्स को आकर कुछ नहीं बोला लेकिन उन्होंने सितारा के सपोर्टर्स की बात उनको बुरी लग गई तो ये बात मैंने उससे कह दी लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे दो एक बात समझ आई वो ये के हो भी सकता है ना कि यहाँ से यानी सितारा ने कभी यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी अबू जो हैं चाचू जो हैं उनको सलमा सपोर्टर्स की चीज़ें दिखाई ना हो बताई ना हो तो उन्होंने कभी उनके ऊपर उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया या फिर यहाँ से किसी ने उनको प्रोवोक नहीं किया कि आप आएँ और इस तरीके से आ बात करें उन्होंने ये सोचा कि ये बुज़ुर्ग आदमी हैं इनको इन मामला में नहीं लाएँ ये आकर नहीं रिएक्ट करें लेकिन सलमान जो है उनका तो हमें पता ही है कि उनको अपने ऊपर कोई बर्दाश्त बात बर्दाश्त नहीं होती ना तो अभी आप देखें वो सिर्फ गए हैं और सलमान ने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है वो आकर जवाब देना शुरू कर दिया है उन्होंने चीज़ों को बतानी शुरू कर दिया तो इसका मतलब वहाँ के लोग उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं ना उनको दिखा रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आपके लिए ये बात आपके लिए ये बात हो रही है तो ये फ़र्क है जब हम देखते हैं कि जब सितारा की अम्मी यहाँ पर आने वाली थी तो सब ने यही था कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये प्रेशर में आ रहे थे कि जी यहाँ पर आएंगी तो अम्मी पता नहीं कौन सी वीडियो बना देंगी और उनको बाकायदा टॉन्ट किया जा रहा था और लोगों को अचानक ही याद आना शुरू हो गया था कि जी वो तो उनकी भी अम्मी हैं और वो कभी भी सलमा के खिलाफ बात नहीं करेंगी और ये नहीं करेंगी क्या उनके दिलों के चोर थे और फिर जब अम्मी यहाँ आईं तो सब ने देखा कि सितारा की अम्मी ने सलमा के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला सितारा ने क्या उनको कभी प्रोवोक किया कि आप आएँ और ये सारी चीज़ें बोलें एक दफ़ा चाचू भी अगर बोले थे या उनकी अम्मी ने गम गुस्से का इजहार किया था तो वो सितारा के व्लाग में नहीं था वो नजमा ने अपनी चीज़ें क्लियर करने के लिए अपने ब्लॉग में अम्मी और अबू से ये बातें करवाई थी तो आप सितारा की तरफ़ से आप ये बात देख लें कि उन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं अपने व्लॉग का पार्ट बनाया कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो आकर और रिएक्शन दें लेकिन सलमा आपको पता ही है कि उनको तो हमेशा एक नेगेटिव कॉमेंट बर्दाश्त नहीं होता तो वो जो यहाँ पर एक चाचू की जो इतनी वाह वाह हुई उनकी इतनी पजीराई हुई यहाँ पर सितारा सपोर्टर्स की तरफ से उनको इतनी ज्यादा मोहब्बत मिली तो ये कैसे वो बर्दाश्त कर सकती हैं इसलिए अब वो चाचू को भी इस चीज़ में यूज करेंगी कि जी सितारा सपोर्टर्स आपको ये ये कुछ बोल रहे हैं तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ सितारा सपोर्टर्स व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो भी हैं अगर चाचू के लिए अगर आप अच्छा लफ्ज़ नहीं इस वक्त आपको आ रहा ना आपको उनकी बातें बुरी लग रही है आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी जाके कमेंट नहीं करें कि वो उनको पढ़ पढ़ कर सुनाएं और बताएं कि देखें जी ये लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि क्योंकि अगर आपको याद होगा कि नैना ने भी मदीने जाने से पहले एक मुहिम यही चलाई थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन वॉशिंग यही शुरू करी थी कि मेरे भाई जो है उन्होंने तो सितारा का साथ दिया फिर भी जो है वो सितारा सपोर्टर्स मेरे भाइयों को ये सब कुछ बोल रहे हैं और बाकायदा वो मुहिम कितनी ज़्यादा पीक पे गई थी कि दिल भर के लिए बाबर के लिए, लिए लाइफ सचाई गई उनको सब कुछ बोला गया तो ये चीज़ एक हाइप करी और यही सितारा के ऊपर प्रेशर डाला कि जी सितारा के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने उनके भाइयों का बुरा भला बोला जो कि हर वक्त उन्होंने साथ दिया लेकिन फिर भी इन दी एंड गालियाँ सुननी पड़ी तो यहाँ पर अब ये दूसरी मुहिम चलाई जा रही है चाचू को यूज करते हुए कि जी सितारा सपोर्टर्स जो हैं वो सितारा के वालिद के लिए इस तरीके के अल्फाज बोल रहे हैं या उनको बुरा भला बोल रहे हैं तो मैं कहूँगी कि रुक जाइए थम जाइए कुछ भी बुरा लग रहा है एक मुनासिब अंदाज में बात कर लीजिए लेकिन टोंटिंग या ये कुछ ना बोलें सख्त अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और अगर हमें ये चीज़ अजीब सी लग रही है कि जी चाचू के थम नेल जैसे होते हैं या सलमान जो हैं उनको अपने ब्लॉग्स में अब उनकी बाकायदा पिक्चर ऐड करती हैं अपने थम में तो ये बात आप समझिए है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रोवोक करने के लिए है वरना अगर सितारा ने इन सब चीज़ों को करना होता तो अगर आप चाचू के शुरू के ब्लॉग देखें उन्होंने कोई थंबनेल नहीं लगाया चाचू के ब्लॉग में वरना क्या वो नहीं लगा सकती थी कुछ भी लगा सकते थे ना थम तो थम वहीं जाकर लगने शुरू हुए वरना जो एक पैटर्न था यहाँ पर जो शुरू किया गया था चाचू के जो दो व्लॉग्स थे सिंपल माय फर्स्ट व्लॉग सेकंड व्लॉग इसी तरह था वहाँ पर भी गए थे तो मदीना व्लॉग लिख सकते थे उमरा व्लॉग लिख सकते थे कुछ भी हो सकता था लेकिन मैं जीत गया मैं ये हो गया और ये हो गया ये चीज़ वहाँ से शुरू करी गई है तो यहाँ जो उनकी एक प्लान है ना उसको मुझे लगता है कि फ़िलहाल नहीं कामयाब होने दे देना चाहिए हो सकता है कि आप लोग को मेरी बात से अख्तिला भी हो मैं जो बात समझ रही हूँ या मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों की सोच से मैच ना भी करे लेकिन जो मुझे लगा वो मैं सिर्फ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो बड़े हैं ना जो इस एज में हैं उनको वाकई इस वक्त यहाँ वाई पर कितनी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है इतना हो सकता है कि उनको इतनी शिद्दत का आइडिया ना हो कि ट्रोलिंग क्या चीज़ होती है या क्या क्या, क्या चीज़ बोली जाती है लेकिन वो वहाँ गए उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे कॉमेंट्स नहीं पढ़ने आते मैं तो कुछ पढ़ूंगा भी नहीं तो इसलिए मुझे ऐसी बातें लिखना भी नहीं तो अब अगर वो ये बात रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कोई तो उनको पढ़ सुना रहा है ना तो ये बात आप लोग समझिए कि बैक में क्या प्लान चल रहा है तो कुछ भी होगा इफ़ेक्ट सितारा के ऊपर ही जाएगा उनकी अम्मी को बदजन किया जाएगा अगर चाचू के दिल में ये बुराई लाई जा रही है कि सितारा सपोर्टर्स ये कह रहे हैं तो इसी तरह फिर ये चीज़ उनकी वालदा तक भी जाएगी कि सितारा सपोर्टर्स जो हैं वो चाचू को बुरा बोलना शुरू हो गए हैं तो इससे पहले कि उन लोगों के दिलों में कदूरतें आएँ मेरा ख़्याल है कि हम इस चीज़ को ना करें आपको हल्का फुल्की बात करनी है बिल्कुल करें उनके ब्लॉग में से कोई भी बात करें कोई अच्छा लगे कोई बुरा लगे लेकिन मुनासबत में और कमेंट्स तो बहुत सोच समझ के करें ये जस्ट मेरी एक राय है तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगी और ये मैंने जितनी भी बात करी है ये मैंने सिर्फ सितारा को सामने रखते हुए करी है कि एक लड़की वैसे ही हर तरफ से हर चीज़ का प्रेशर उसी के ऊपर डाला जाता है कोई भी कुछ भी कहता है वो सितारा सपोर्टर के नाम पर आकर सितारा को ही उस चीज़ का ब्लेम दिया जाता है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संभल के हम लोग चलें बाकी अगर मेरी बात किसी को ग़लत लगी हो बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं भी अपनी असलाह करूँगी कि ज़रूरी नहीं कि मैं ही बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आई वो मैंने करी आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुश रहें आबाद रहें सदास मुस्कराते रहें एक ही ज़िंदगी है उसे आसान बनाएँ अपने लिए भी दूसरों के लिए भी Allah Hafiz